जिस घर में ये चीज़ अक्सर बनती है उस घर में बरकत, शोहरत, पैसे की बरकत, आवक हमेशा होती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बता रही हूँ ऐसी शुभ चीज़ों के बारे में जो अक्सर घर में बनती रहनी चाहिए और जिसको बनने से आपको धन लाभ होता है, तिजोरी फुल होती है, आपका बैग, पर्स, जेब सब भरे रहते हैं और घर में पैसे की एनर्जी, पैसे कमाने की एनर्जी सदस्यों में आती है। घर के सदस्य बहुत राइज करते हैं, हेल्दी रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि वो क्या चीज़ है। लेकिन इससे पहले निवेदन है कि आप मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल पर क्लिक करिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मैं एक ज्योतिषी हूँ और ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारी देती हूँ कि जो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद है, और मतलब सुबह सुबह अगर आपने उनको गैस पे रख दिया या किसी भी रूप में खा लिया तो आपके घर के सदस्य एनर्जी से फुल रहेंगे और तरक्की करेंगे और जी जान से मेहनत करेंगे। आपके पास पैसा आएगा तो मेहनत से ही, आपकी अपनी मेहनत से, लेकिन ये बरकत वाला सीन क्रिएट होगा आपकी खुद की मेहनत से और आपके जज्बे से। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये जो मित्र है, मित्रों, ये है राजमा और इसके साथ अक्सर चावल भी बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप ब्राउन राइस बनाते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू आ जाती है और घर के सदस्य भाग भाग कर कमाई के काम करते हैं, भाग भाग कर आपके लिए रोज़गार उत्पन्न होता है। तो ये आपके बहुत काम का है और राजमा चावल अक्सर घर में, सभी घरों में बनते हैं, भारतीय घरों में, और ये बनते भी रहने चाहिए। अगर डॉक्टर ही मना करे तो अलग बात है, लेकिन ये राजमा चावल हल्के, कम मसाले वाले, ज़्यादा मसाले वाले आप अपनी रुचि के अनुसार बना सकते हैं। और तहरी मतलब चने की दाल डाल के अगर तहरी बनाते हैं तो बृहस्पति स्ट्रांग होता है, ब्राउन राइस से शुक्र ग्रह स्ट्रांग होता है और राजमा से तो सारे ग्रह स्ट्रांग होते हैं। स्पेशली अगर मंगलवार के दिन राजमा बनाया जाए लाल वाला, तो आपके मंगल ग्रह मतलब साहस की वृद्धि होती है, आपके अंदर एनर्जी आती है, आपके अंदर ताकत आती है। तो अक्सर आपके घर में ये चीज़ बननी चाहिए। हल्दी की सब्जी बननी बहुत शुभ होती है, गुरुवार के दिन हल्दी की सब्जी बनानी चाहिए, सफ़ेद चावल भी शुक्रवार के दिन बनाने चाहिए। तो और सूजी का हलवा या खीर भी शुक्रवार को बनानी चाहिए। ये चीज़ें अक्सर घर में बनने से घर के सदस्यों में रुझान रहता है, एनर्जी रहती है और अब आपस में प्यार बना रहता है, घर के सदस्य खुश मिजाज बनते हैं। तो ये आपका भला करते हैं और ये पैसे कमाने में मदद करते हैं, क्योंकि घर के सदस्य जब खुश रहेंगे, एनर्जी से भरपूर रहेंगे, उनको स्वादिष्ट खाना मिलेगा तो उनका ध्यान कमाई में लगेगा। तो ये चीज़ बहुत काम की है और आपको अक्सर घर में बनानी चाहिए। कड़ी भी घर में बनाना शुभ होता है, मूंग, साबुत मूंग खाना शुभ होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको आपके ग्रह को बढ़िया करती हैं। अगर आपका शनि शुभ है तो काली दाल भी शनिवार के को बनाई जा सकती है और अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर करवा लें, उसके बाद ही आपको तय करना चाहिए कि क्या घर में बनना चाहिए और क्या घर में नहीं बनना चाहिए। चने, सादा चने भी घर में बनना बहुत शुभ होता है, नवरात्रों में तो बनते ही हैं, हलवा बनता है सूजी का और आलू की सब्जी बनती है और दही के साथ में ये सर्व करते हैं, पूड़ी, अजवाइन की पूड़ी बनती है या सादा भी पूड़ी बनती है। तो ये सब चीज़ें हमारे तीज त्यौहार से जुड़ी हुई हैं, स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें होती हैं और ये अक्सर घर में बनने से घर का सदस्यों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और घर के सदस्यों की बरकत भी होती है। तो खाने पीने से संबंधी ये चीज़ का ध्यान रखें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है और खुशी भी होती है। प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत भेजा कीजिए, पॉजिटिव कमेंट ही स्वागत योग्य होते हैं। और आपको पता ही है मैं ज्योतिषी हूँ और ज्योतिष पर वीडियो बनाती हूँ और परामर्श भी देती हूँ,
तो आप मुझसे कुंडली परामर्श भी ले सकते हैं। कुंडली परामर्श लेने के लिए आपको कुंडली भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू मुझसे संपर्क करना है और आपको डिटेल भेजनी है जिससे मैं आपको कुंडली परामर्श दे सकूँ। आपको इसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजना ज़रूरी होता है। इसके अभाव में कुंडली नहीं बनाई जा सकती। और समय सही सही भेजा कीजिए और आपकी कुंडली में बनाऊंगी और आपको परामर्श दूंगी। और आप हस्तरेखा की जानकारी भी ले सकते हैं। हाथ के दोनों प्रिंट, दोनों हाथ के मतलब प्रिंट, दाएं और बाएं हाथ के प्रिंट भेजिए। इसके द्वारा मैं आपको परामर्श दूंगी। आप मकान का नक्शा भी चेक करवा सकते हैं। मकान के नक्शे के लिए मकान का नक्शा भेजने की ज़रूरत नहीं, कहाँ क्या बना है बस ये भेजिए, मैं आपको परामर्श दूंगी वास्तु संबंधी। ये सर्विस मित्रों चार्जेबल होती है। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये इस फार्मूले को मैं फॉलो करती हूँ और इसको आपको भी फॉलो करना चाहिए। परामर्श शुल्क बहुत ही नॉमिनल होता है, इसके लिए किसी प्रकार का बर्डन आप पर नहीं पड़ता है। यूट्यूब पर मेरे 4000 से भी ज़्यादा वीडियो हो चुके हैं और इसका आनंद आप ले सकते हैं। डॉक्टर उमाश्री टाइप कीजिए और आपको आपके सामने मेरी सारी या लगभग थोड़ी सी अलग अलग विषयों पर बनी हुई वीडियो सामने आ जाएगी जिसका आप आनंद उठा सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके काफ़ी काम का होगा। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।